हाथरस हादसे को लेकर पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाथरस भेज दी गई है एनडीआरएफ की टीम। गाजियाबाद से हाथरस के लिए रवाना हो गई है टीम, की अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। 50 से 60 लोगों की मौत की खबर है, आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि हाथरस भेजी गई है एनडीआरएफ की टीम, ये बड़ी खबर है। गाजियाबाद से हाथरस के लिए टीम रवाना कर दी गई है। हाथरस में एक बड़ा हादसा आज हो गया है, सत्संग कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे बड़ी संख्या में, अचानक से भगदड़ मच गई और भगदड़ के दौरान 50 से 60 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं, कुछ लोग बेहोश भी हो गए थे, जिन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालांकि ये जो आंकड़ा है 50 से 60 लोगों का, ये अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सीएम योगी ने हादसे को लेकर संज्ञान लिया है, कल सीएम योगी खुद घटना स्थल पर जाएंगे और ये जो घटना घटी है आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही है, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी। अस्पताल भी जा सकते हैं जहां पर ये फिलहाल घायलों को भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल अपडेट ये है कि गाजियाबाद से टीम रवाना हो चुकी है एनडीआरएफ की। हादसे की जांच पड़ताल भी फिलहाल की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। मुख्यमंत्री जी, मैं तो पूरी सरकार ने थे। मैं अभी एटा विजिट करके आया हूं, अब इस घटना स्थल पे हूं और इसके बाद अलीगढ़ जाऊंगा। क्या आप सूचना मिली प्रशासन ने, क्या इनपुट दिया अभी तक आपको? अरे इनपुट दिया है, मैं बता तो रहा हूं, 27 डेड बॉडी है वहां, 4 घायल थे। डेड बॉडी की पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो गई है, घायलों का उपचार हो रहा है। 50 से 60 लोग इसमें कैजुअलिटी हुई है। अब मैंने कह रहा हूँ डीएम के बयान को डीएम जाने, मैं जो देख के आया हूँ मैं वही कह सकता हूँ। क्या करिएगा सर प्रशासन? मैंने एक बात कही, दोनों की दो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर अलीगढ़ और एडीजी पुलिस आगरा, दोनों की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है अलग अलग। जो रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, तो मंत्री जी को अभी आप सुन रहे थे, वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि 27 लोगों की मौत हुई है। हालांकि डीएम का कहना है कि 50 से 60 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट रिसेंट सामने आ रहा है वो ये है कि फिलहाल एनडीआरएफ की जो टीम है वो गाजियाबाद से हाथरस के लिए रवाना हो चुकी है। आज ये बड़ा हादसा हुआ है हाथरस में और अभी भी इसी बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। मुख्य सचिव डीजीपी मौके पर मौजूद है, दो मंत्री इस वक्त मौके पर मौजूद है, सीएम ने खुद हादसे का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और वो खुद इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो लोग वहां पर अभी मिसिंग है या फिर जो परिजन अपनों को ढूंढ रहे हैं उन्हीं की मदद के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अभी तक ये भी बताया जा रहा है कि 10 से 20 लोगों की शिनाख्त अभी तक हो पाई है और ये हेल्पलाइन नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। जो परिजन वहां पर पहुंच रहे अपनों की तलाश में, उन्हें इस हेल्पलाइन नंबर से आसानी हो पाएगी, वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे अगर उनके अपने नहीं मिल रहे हैं तो, इसी को देखते हुए, या फिर किसी को मदद की जरूरत है इसी को देखते हुए ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर हाथरस प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। अपडेट आपको बता दें कि आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है, मृतकों का 50 से 60 लोगों की मौत की खबर है। सत्संग पंडाल में हादसा हुआ है और जब सत्संग समापन की तरफ था उसी वक्त भोले बाबा के पैर छूने को लेकर लोगों के बीच होड़ लगी हुई थी और वो पांव छूना चाहते थे और इसीलिए यह भगदड़ मच गई और यह हादसा हो गया जिसमें 50 से 60 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। जो मृतक है उनके परिजन मौके पर पहुंच रहे हैं और जो घायल हैं उनके परिजन भी मौके पर पहुंच रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर ये देखिए, सत्संग के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद थी, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको सत्संग के दौरान की दिखा रहे हैं। हाथरस की ये तस्वीर है, ये भगदड़ से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे। और ऐसी भी जानकारी है कि जो आयोजक हैं उन्होंने एसडीएम से इस कार्यक्रम के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही किसकी है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है,
ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ और लापरवाही किसकी, जवाबदेही किसकी आखिरकार, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो फिलहाल अपडेट यही सामने आ रहा है कि आखिरकार ये जो हादसा यहाँ पर हुआ है, ये जो लापरवाही यहाँ पर हुई है, आखिरकार ये जवाबदेही किसकी है, क्यों प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया इस मामले को लेकर जब ऐसी घटना यहाँ पर घटने वाली थी या फिर इस तरह की घटना पहले भी हमने देखा कि घटी है, तो उनसे क्यों प्रशासन ने सबक नहीं लिया, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सत्संग से पहले की, जो एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं।